देखो यहाँ का द पोजिशन ऑफ थ्री एलिमेंट ए बी सी ए बी सी इन दीरियो है है, है. होगा या में क्या होते हैं नॉन मेटल होते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा ए इज अ नॉन मेटल इज अ नॉन मेटल रीजन अगर लिखोगे तो क्या लिखोगे एलिमेंट ऑफ ग्रुप सेवेन्टीन अगर ग्रुप सेवेंटीन है तो उसके आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे सात इलेक्ट्रॉन होंगे ठीक है नेक्स्ट स्टेट वेदर सी इज मोर रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव देन ए अभी तो हमें कंफर्म हो गया कि ये नॉन मेटल्स हैं अब ए और सी देखो नॉन मेटल्स में डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी कैसे हो रही थी डिक्रीज कर रही थी तो लिखा डाउन ग्रुप नॉन मेटल्स के लिए तो ए और सी में कौन ज्यादा रिएक्टिव है ए ज्यादा रिएक्टिव इज मोर रिएक्टिव देन सी रीजन लिखोगे तो लिखोगे रीजन इन नॉन मेटल्स रिएक्टिविटी ड्रीजेज डाउन द ग्रुप डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी क्या करती है डिक्रीज करती है सेकेंड सर सी जो ऑप्शन है क्वेश्चन सी जो है विल सी बी लार्जर और स्मॉलर इन साइज देन बी अब बी और सी में कंपेरिजन हो रहा है तो अलोंग द पीरियड की बात हो रही है अटोमिक साइज अलोंग द पीरियड क्या करता है डिक्रीज करता है एटॉमिक साइज एटॉमिक साइज अलोंग द पीरियड डिक्रीज करता है अब देखो बी और सी में इन्होंने पूछा विल सी लार्जर सी बड़ा होगा छोटा होगा सी स्मॉलर होगा सी इज स्मॉलर देन बी रीजन क्या होगा एटॉमिक साइज डिक्रीजेस लॉन्ग दीरियड पीरियड में जैसे लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो एट डिक्रीज करता है विच टाइप ऑफ आइन कैटाइन और एनाइन विल बी फॉर्म बाई एलिमेंट ए देखो एलिमेंट ए ग्रुप सेवनटींथ का एलिमेंट है ग्रुप सेवनटींथ का एलिमेंट है तो आउटर मोशल में सात इलेक्ट्रॉन होंगे है ना उसे अपनी आउटर मोशल कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी ठीक है अगर एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी तो क्या करेगा गेन करेगा तो आंसर होगा ए फॉम एनाइन बाई गेनिंग वन इलेक्ट्रॉन और एनाइन का टाइप क्या होगा ए नेगेटिव ए नेगेटिव लिख दो तो या फिर ए माइनस वन लिख दो तो एक ही बात समझ में आई बात है